पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही लोगों को इंतजार था भगवान राम, संग माता सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा की एक झलक का, जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। अभी तक मूर्ति या मूर्तिकार को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हाल ही में मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है, साथ ही मूर्तिकार का भी पता चल गया है। ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण, उनके द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से राम ललाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। जाहिर है ये पल मूर्तिकार अरुण योगीराज के लिए कितना खास होगा। इस मौके पर उनकी माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। अपनी भावनाओं को संभालते हुए और उन्हें शब्दों में पिरोते हुए वो क्या कहती हैं, सुनिए। ತುಂಬಾನೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನೇ ಹುಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೇ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನೆಯವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಕಣ್ಣಣ್ಣ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಗದ್ದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಕನಸು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದ್ ಕೈಲಿ ಆಗಿದೆ, ಏನನ್ಸ್ತು? ಐನೂರು ವರ್ಷದ आपको बता दें कि मुख्य प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी देश के तीन बड़े मूर्तिकारों को दी गई थी, जिनमें से एक मूर्तिकार ने केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है और दूसरे ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थापित की गई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। ऐसे में अरुण योगीराज के लिए ये चुनौती आसान नहीं थी, हालांकि उन्होंने इसमें सफलता हासिल की और अब आखिरकार उनके हाथों से तैयार की गई मूर्ति ऐतिहासिक राम मंदिर में स्थापित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।